हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा सीमा पर सड़क बंद होने से आम जनता को हो रही है दिक्कत। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भारत बंद के चलते लगा जबरदस्त जाम, कई किलोमीटर तक कतारों में खड़ी दिखी गाड़ियां। गुरुग्राम में जाम की वजह से घंटों फंसे रहे लोग, कई एम्बुलेंस भी फंसी, जरूरी काम वाले परेशान हुए। नोएडा से दिल्ली जाने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर भी भारी ट्रैफिक जाम, लोग परेशान। पटना में भारत बंद के दौरान हंगामा, कई जगहों पर गाड़ियों को जबरन रोकने और तोड़फोड़। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं का हंगामा, किसानों के समर्थन में रोड जाम किया। बिहार के वैशाली में आरजेडी का किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, नेशनल हाईवे को जाम कर जलाया टायर। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, का केंद्र सरकार को मान लेनी चाहिए किसानों की मांग। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर किसानों का धरना प्रदर्शन, रेलवे ट्रैक पर बैठकर लगाया जाम, ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर। अखिलेश यादव का बयान, कहा अन्नदाता का मान न करने वाली दंभी बीजेपी सरकार नैतिक अधिकार खो चुकी। प्रियंका गांधी बोली खेत का किसान फसल किसान की और, लेकिन बीजेपी अपने मित्रों के जरिए करना चाहती है कब्जा। किसानों के भारत बंद पर राहुल गांधी का ट्वीट, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह अखंड है, शोषणकारी सरकार को विरोध पसंद नहीं है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार किसानों की बात सुनने तक को तैयार है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की जिद पर अड़े 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने आज फिर बुलाया भारत बंद, दिल्ली हरियाणा पंजाब बिहार और पश्चिम बंगाल में असर। भारत बंद को सफल बनाने के लिए तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, झारखंड और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों का समर्थन, किसान संगठनों का नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर जाम। टिकरी बॉर्डर पर सुबह से ही डटे किसान, सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा, आने जाने वाले लोगों को हो रही भारी परेशानी। किसानों के भारत बंद को लेकर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन बंद, किसानों के जाम के बाद सुरक्षा के चलते लिया गया फैसला। भारत बंद के चलते दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, रेड फोर्ट जाने वाले सभी रास्ते किए गए बंद, लाल किले से आने वालों के लिए अलग रूट की व्यवस्था। गाजियाबाद से रोडवेज बस में बीमार बच्चे को अस्पताल ले जा रहे दंपति जाम में फंसे, कहा जब भारत बंद है तो बसें क्यों चलाई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों का हल्ला बोल, नए कृषि बिलों को वापस लेने को लेकर की नारेबाजी। 6 बजते ही किसानों ने भारत बंद के तहत गाजीपुर बॉर्डर पर चक्का जाम किया, नेशनल हाईवे 9 की दिल्ली से मेरठ लेन को बंद किया। भारत बंद के दौरान गाजीपुर में नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत, का सरकार बिना शर्त करे बात तो हम करेंगे बातचीत को। किसानों ने सोनीपत में केएमपी एक्सप्रेस से कराया बंद, हाईवे पर डेरा डालकर बैठे किसान, लगा लंबा जाम। पानीपत में भारत बंद का कम असर, किसानों के डेरे के बावजूद वाहनों की आवाजाही जारी। हरियाणा के रोहतक में किसान संगठनों ने सड़क पर लगाया जाम, सड़क के बीचों बीच खड़े किए अपने वाहन। दिल्ली अंबाला फिरोजपुर में भारत बंद की वजह से 25 ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा असर, रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं किसान। जीरकपुर में भी भारत बंद का असर, किसानों ने चंडीगढ़ हाईवे किया ब्लॉक। चेन्नई में लेफ्ट पार्टियों ने किसानों के समर्थन में किया प्रदर्शन, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। भारत बंद के दौरान दिल्ली चंडीगढ़ रेलवे ट्रैक भी किया जाम, नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों ने की जमकर नारेबाजी। अमृतसर में किसान संघर्ष समिति ने अमृतसर दिल्ली हाईवे को बंद किया, आवाजाही पूरी तरह बंद। पंजाब के लुधियाना में किसान संघर्ष मोर्चा का हल्ला बोल, लुधियाना फिरोजपुर हाईवे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर लंबा जाम, किसानों ने ट्रैफिक पर पूरी तरह से ब्रेक लगाई। किसानों के भारत बंद का रेलवे पर बुरा असर, कुरुक्षेत्र में मालवा एक्सप्रेस और दादर एक्सप्रेस पर लगा ब्रेक। किसानों के चक्का जाम के दौरान यमुनानगर में टला बड़ा हादसा, ट्रैक पर बैठे किसानों के चलते मालगाड़ी ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। हैदराबाद में भारत बंद का असर दिखा, रोजाना की तुलना में रोड पर दिखा कम ट्रैफिक। कोलकाता में भारत बंद के समर्थन में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भी लेफ्ट कार्यकर्ताओं का चक्का जाम, किसानों के समर्थन में रोकी ट्रेन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी भारत बंद का असर, रोड पर नहीं दिख रहा ट्रैफिक, बाजार पूरी तरह बंद। नॉर्थ 24 परगना के बारकपुर में लेफ्ट कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। केरल में भी किसान आंदोलन का दिखा असर, तिरुवनंतपुरम में बाजार बंद, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात। केरल के कोट्टायम में भारत बंद का बड़ा असर, सड़कों पर नजर नहीं आ रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजारों में भी पसरा सन्नाटा। कर्नाटक के धारवाड़ में किसानों का हल्ला बोल, बैनर लेकर निकाला मार्च, लोगों ने नए कृषि कानून को रद्द करने को लेकर मांगा समर्थन। बेंगलुरु में किसानों का प्रदर्शन, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी किसानों ने किया रोड जाम, सरकार के खिलाफ नारेबाजी में आम लोग भी किसानों के समर्थन में उतरे। कर्नाटक के उडुपी में भारत बंद का मिला जुला असर, राज्य सरकार की बसों की आवाजाही जारी, रोड पर कम नजर आ रहे लोग। भारत बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल समेत कई राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को किसानों की मदद के बहाने सड़कों पर उतारा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, 40,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए, 700 किसान की गई जान। भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों ने अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाई, व्यापारियों से दुकानें बंद करने की अपील की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।